तो हमारे डियर भाईजान की एक और मूवी का टीजर आ गया है और इस मूवी का नाम है किसी का भाई किसी की जान। इस मूवी को बना रहे हैं द ग्रेट फरहाद नोलन साम जी। और भाई मूवी की स्टार कास्ट बहुत बड़ी है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो मेन नाम है वो मैं यहाँ पे एक बार बोल देता हूँ। भाईजान, पूजा हेगड़े, वेंकटेश रघुपति, जगपति बाबू, सिद्धार्थ निगम, शहनाज गिल, जस्सी गिल और दो तीन और कलाकार भी हैं, लेकिन ये फिलहाल इस मूवी में मेन होने वाले हैं। और अगर हम बात करें इस टीजर की, तो भाई क्या टीजर था, नहीं बोल नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ क्या टीजर था भाई। मैंने 5 बार देखा और मुझे कुछ समझ नहीं आया। मूवी की कहानी क्या है, मूवी में होने क्या वाला है, मूवी में कौन कौन होने वाला है, मूवी में कौन क्या करने वाला है, टीजर बोल क्या रहा है, मेरी कुछ भी समझ नहीं आया। लेकिन हाँ भाई, समझ मुझको नहीं आया तो गलती मेरी है, मूवी मेकर्स की, इसमें कोई भी गलती नहीं है। भाई मूवी को बनाया है फरहाद साम जी ने और उनसे आज तक कभी कोई भी गलती नहीं हुई है। और आप इन दोनों का इतिहास देख लो, एंटरटेनमेंट, हाउसफुल 3, हाउसफुल 4, कूली नंबर 1, बच्चन पांडे, सर्कस, कोई गलती हुई है इनसे? और अगर गलती हुई है इनसे तो भाई नाम बदल दो मेरा। भाई ये दोनों लेजेंड्स हैं, इनसे आज तक कोई भी गलती नहीं हुई है और ना होगी फ्यूचर में। और ये टीजर भी बहुत बढ़िया है, मैं समझ नहीं पाया तो भाई बेवकूफ मैं हूँ, वो नहीं है। लेकिन खैर, टीजर में सिर्फ 2 चीज दिख रही है और 2 भी नहीं 3। सबसे पहले भाई का ब्रेसलेट और फिर भाई के बाल और फिर भाई की जवानी। और इस मूवी में भाई के साथ पूजा की आ गई, भाई ने अपने आप को जवान ही बना लिया। मेन मुद्दा ये है कि भाई के हिरण वाले दिन यानी कि जवानी वाले दिन याद आ गए। भाई जरा एक बार याद करो, हम तुम्हारे हैं सनम, हेलो ब्रदर, कहीं प्यार ना हो जाए, गॉड तुसी ग्रेट हो, उन फिल्मों में भी भाई का लुक ऐसा ही था। और अब ये मत बोलना कि सारी फिल्में फ्लॉप हैं, बेकार हैं, नहीं भाई। अब आप बोलोगे भाई मेन मुद्दे पे आ, टीजर की बात कर, तो भाई मैं क्या ही बात करूं टीजर की। 10 बार बोल लिया कि मुझको इस टीजर में कुछ भी समझ नहीं आया, ये टीजर बोल क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है। ये टीजर बार बार बस एक बात बोल रहा है कि राधे मूवी में भाई की वो बॉडी फेक नहीं थी, वो रियल थी, भाई जान अब भी ऐसे ही लगते हैं। पर खैर, लेकिन टीजर में पूजा पूछती है कि आप कौन हो, और भाई बोलते हैं कि मेरा कोई नाम नहीं है, लेकिन सब मुझको जानते हैं भाई जान के नाम से। तो यार ये हो क्या रहा है मूवीज के अंदर। अक्षय कुमार बोल रहे हैं कि मैं साल में 4 फिल्में करता हूं और भाईजान बोल रहे हैं कि सब मुझे भाईजान कहते हैं, तो ये क्या हो रहा है भाई। या तो ये लोग जानबूझ के इस ट्रैक पे आ गए हैं कि हमको हमारी मूवीज में हमारा मजाक ही उड़ाना है ताकि लोग इस मूवी को पसंद करें, या फिर शायद कुछ और वजह है। लेकिन जो भी हो, एक बात तो है, टीजर में भाईजान स्मार्ट लग रहे हैं, नो डाउट नो डिबेट। चाहे VFX हो, डी एजिंग हो, स्टंट डबल हो, जो भी हो, यार भाईजान स्मार्ट लग रहे हैं तो लग रहे हैं, बात खत्म। और ये मैं सरकैज़म में नहीं कह रहा हूँ, नहीं भाई, भाई का वो लुक, वो क्लीन शेव, वो सब कुछ बढ़िया ही लग रहा है। और हाँ, लंबे बालों में भी वो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन भाई क्लीन शेव की बात ही अलग है। लेकिन मुझे बस ये पूछना है कि भाई आपको मैंने कल ही पठान में देखा और उस मूवी में आप एकदम बढ़िया लग रहे थे, लेकिन भाई यहाँ पे क्या हो गया। वहां पे शाहरुख भाई सबको पठान दिखा रहे हैं और आप ये दिखा रहे हो, भाई कहाँ पठान और कहाँ किसी का भाई किसी की जान। और नहीं, ऐसा नहीं है भाई, अगर पठान की कमाई 300 करोड़ भी होगी तब भी आपकी मूवी 600 रुपए कमा ही लेगी भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हो, हिरन आते हैं और जाते हैं, फुटपाथ बनते रहते हैं, लेकिन भाई प्लीज फरहाद साम जी के साथ में काम मत करो यार। अक्षय कुमार उस लाइन में काफी हैं, लेकिन प्लीज आप वहां पे मत जाओ। लेकिन खैर, भाई का मन, भाई की मर्जी, वो जो भी करें, फिलहाल ये टीजर बेकार ही लग रहा है। मैंने फाइनली वो बात बोल ही दी जो मुझको नहीं बोलनी थी, टीजर बेकार ही लग रहा है भाई। मतलब भाई कब सीखोगे, कब कुछ नया करोगे। टीजर में वेंकटेश हैं, जगपति बाबू भी हैं, लेकिन फिर भी टीजर में कोई इम्पैक्ट है ही नहीं, बस वही बिना मतलब के एक्शन सीन जो भाई की हर मूवी में होते हैं। और अब कोई फायदा नहीं है वीडियो लंबी करने का, तो बस वीडियो खत्म करते हैं। कुल मिला के मुझको ये टीजर ना समझ आया ना पसंद आया, मेरे लिए ये टीजर बाउंसर ही था। वैसे ये मूवी इस साल ईद पे यानी कि 21 अप्रैल को आ रही है, तो हाँ उसके पहले नए पोस्टर आएंगे, ट्रेलर आएंगे, गाने आएंगे और फिर खुद भाईजान आएंगे, और मूवी के पहले भाईजान अपने शो पे भी आएंगे। तो भाई टीजर ना सही, वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। और पठान मूवी का रिव्यू कर दिया है भाई, अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे आ रहा होगा, जाकर देख लेना। और बस फिर इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां मन करे वहां फॉलो कर लो, और अगर वो बटन अब भी लाल है तो भाई दबा के ना ग्रे कर दो, और बगल में घंटी है उसे भी दबा ही दो, और बस देखते रहो आपका अपना चैनल मूवीवर्स।